इधर जिंद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलरखा में अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठन के लोगों ने एक बैठक बुलाकर प्रशासन के सामने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की बात सुनी और उचित कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही है। मौके पर मौजूद तहसीलदार निखिल सिंगला से जब मीडिया कर्मियों ने इस मामले पर जानकारी लेनी चाहिए तो तहसीलदार निखिल सिंगला मीडिया कर्मियों से बचते हुए नजर आए। भीमराव अम्बेडकर नरवाना समाज के प्रधान जिले सिंह के ने कहा है कि प्रशासन और सरकार जल्दी से कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएंगे। तो हमने बार बार सूचना दी, भाई आप यहाँ ये पिछली एक तारीख जो अभी गई है इस पे बाबा साहब की यहाँ पे गांव बेलरखा के अंदर स्टैचू पूरे गांव के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ में लगाई गई थी, उसको खंडित करने का काम किया गया है। पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ऐसे अज्ञात व्यक्ति है, वो कुछ मानसिकता के पर्सनैलिटी है, वो उन्होंने यहाँ पे बड़ी ही गंदी मानसिकता रखते हुए बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया है। अब हम आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। अब हमने प्रशासन से मांग की है, प्रशासन ने जो है यहाँ पे जो अधिकारी भेजे थे और तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने तहसीलदार साहब को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि वे 10 तारीख तक या तो जो दोषी है इस घिनौनी घटना के उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए, अदरवाइज जो है समाज है वो अपनी कार्रवाई करने पे